नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हुए हैं फिर एक बार स्पेशल खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के सभी तालाबों को संरक्षित करने, अतिक्रमण मुक्त और उनके वास्तविक स्वरूप को बनाए रखने का निर्देश दिया है, लेकिन पुराने पवाईदार आज भी पुराने तालाबों की जमीनों को खुर्द बुर्द करने में जुटे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है सिरमौर तहसील के जामू गाँव से, जहाँ 22 एकड़ में फैले जामू तालाब का अस्तित्व मिटाया जा रहा है। बताया जाता है कि तहसील के कर्मचारियों से साठ गांठ कर सरहंगई के दम पर उक्त तालाब की जमीन का नामांतरण हो गया। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के नियम कायदों को नहीं देखा गया और सीधे शासकीय जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम नामांतरण कर बिक्री कर दी गई। उक्त तालाब की मेड़ में आज भी कब्जा कर दुकानें संचालित की जा रही है। अगर यह कहें कि सरकारी तालाब पर सड़क बनाकर दुकान खोल दी गई है तो कई अतिशयोक्त नहीं होगी। अतिक्रमणकारी जो जितना सरहंग है वह उतना ही कब्जा कर लिया। इस शासकीय तालाब पर ना तो किसी शासकीय कर्मचारी की नजर पड़ रही है और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों की। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि जो भूमाफिया हैं वह पुराने पवाईदार हैं, जिन्हें पुराने शासकीय तालाबों की संपत्तियों के संबंध में जानकारी थी। उनके द्वारा ही उक्त तालाब के अस्तित्व को नष्ट किया जा रहा है। भूमाफिया ने 22 एकड़ में फैले तालाब के अगोर की 7 एकड़ जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में कर बेच दिया। अब महज कुछ ही एकड़ में इसका अस्तित्व बचा है। इतना ही नहीं, इसकी मेड़ पर कई आदिवासियों को बसा दिया गया और पक्की दुकानें बना दी गई हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जामू तालाब की जमीन को पुराने पवाईदार अखंड प्रताप सिंह के द्वारा अपने नाम कराकर बेचा गया है। वहीं मेड़ में अतिक्रमण करने वालों में अशोक गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, दिनेश पटेल, रमेश पटेल, शैलेंद्र गुप्ता के साथ अन्य कई शामिल बताए जाते हैं। पूरे मामले की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत स्थानीय समाज सेवी चतुर गौतम ने निकाली और अब शिकायत की है, जिसके बाद स्थानीय लोगों को आस जगी है। लेकिन नहीं लगता कि जिस तरह से भूमाफियों के साथ स्थानीय प्रशासन ने साठ गांठ कर 22 एकड़ के तालाब का अस्तित्व मिटाने का बेड़ा उठाया है, उस पर रोक लग पाएगी। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से तालाब की मेड़ पर दुकानें बनाई गई हैं और स्थानीय लोगों का क्या कहना है। ये आक्रमण सर, ये बड़े आदमी ने करवाया है, उनको प्लाट दिवाया है और ये पूरा तालाब घेर लिया है। तालाब में कहाँ नहाने का जाने का घाट नहीं है, पूरे बिरवा लगा दिए हैं। वहाँ इतनी आक्रमण हो चुकी कि हमारे तालाब पूरा गंदगी फैला दिए हैं। जी सर, तो अभी तालाब का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है पानी का ना, क्या प्रतिबंधित कर दिया, मतलब मना भी करते हैं लोगों को जाने से? जी करते हैं, उसको उपयोग नहीं हो पा रहा ग्रामीण उपयोग कर पा रहा। प्रजापति नाम है मेरा। ये कौन सा स्थान है? ये जामू है। यहाँ तालाबों पे अतिक्रमण किया गया है, बताइए किस तरह से अतिक्रमण किया गया है और कैसे अब लोगों को उपयोग नहीं हो पा रहा, दिक्कतें होती हैं? यहाँ क्या है कि जो सरकारी भूमि है, तालाब के जो आसपास सरकारी हैं वहाँ पहले से ही कब्जा कर लिए और वो लोग गरीब हैं, झुंगी झोपड़ी रोप के तालाब में रहते हैं। अगर उनको हम भगाते भी हैं, मान लीजिए सरपंच कहते हैं कि यहाँ चले जाइए, तो यहाँ अब जगह ही नहीं है, सरकारी तो सब कब्जा कर लिए हैं। अब वो अगर ये कब्जा जो किए हैं ये माफिया लोग, इनसे अगर उनको दिलवा दें तो वो वहाँ से हटने के लिए तैयार हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम तालाब में बसें, उसमें कभी भी पानी भर जाएगा बरसात में, वो फूट सकता है कभी, मान लीजिए उनका ही छत होगा, इनसे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ जो भी सरकारी जगहें हैं उनको खाली करवा के उनको यहाँ पे मकान दिलवाएं और वहाँ से उनको उछाल के यहाँ यहाँ शिफ्ट करें, यहाँ विस्थापित किया जाए। हाँ, विस्थापित किया जाए इनको। और हम लोग की यही मध्य प्रदेश शासन की जितनी जगहें हैं यहाँ पड़ी हैं भूमि, उनको सभी को खाली करा के यहाँ गरीब जितने भी हैं तालाब में बसे हैं उनको यहाँ शिफ्ट किया जाए सभी को। गौतम, यहाँ एक पैसा लेके जमीनों के लेन देन और दूसरे के नाम से ट्रांसफर करवाने का मामला प्रकाश में आया, किस प्रकार का मामला है, किसकी जमीन थी, वो पूरी घटना बताइए। एक गंगाराम पिता सरयू बख्श, ये हमारे गांव में पूर्व आज के करीब 100 साल पहले थे और उनकी जमीन लावारिस पड़ी हुई थी जिसका काश्त में कोई लेता नहीं था। 2015 तक गंगाराम के नाम यह जमीन थी, लेकिन 16 में पटवारी से देकर इन्होंने क्या किया कि विष्णुकांत पिता बैजनाथ बारी के नाम इसका पट्टा हो गया। ना तो तहसीलदार का आदेश है और ना ही कलेक्टर का आदेश है या किसी सक्षम अधिकारी का किसी का आदेश नहीं है। इसी तरीके से दूसरी ज़मीन आती है हमारे गांव में 193 मध्य प्रदेश शासन है, उसका लंबा चौड़ा रखा है, वास्तव में यह गरीबों को होना चाहिए लेकिन जिसमें माननीय अखंड प्रताप सिंह का नाम आज हो गया है। इसी तरीके की कृष्णावती मिश्रा,
इसी तरीके से योगेश कुमार, इसी तरीके से मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन को इन लोगों ने कैसे कैसे करके तालाब मध्य प्रदेश शासन का की जितनी भी ज़मीन है यहाँ सब लोग बड़े लोगों ने इस्तेमाल कर रखा है, पहली बात। दूसरी बात, तालाब की ज़मीन का कभी हस्तांतरण नहीं होता, ये 24-25 की खतौनी है जिसमें तालाब की ज़मीन है, जिसमें अगोर लिखा हुआ है। अगोर की ज़मीन का नामांतरण इनके नाम कैसे हो गया, किस आधार में हुआ और इसका बेचने का अधिकार इनके पास कहाँ से आ गया? तालाब की ज़मीन को इन लोगों के द्वारा बेच लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि किसी प्रकार का तालाब उनको बिक्री नहीं होगा, उनको संरक्षित किया जाएगा, तो इसमें भूमिका किसकी है? भूमिका इसमें पटवारी और पटवारी के अलावा यहाँ का सरपंच, इसमें तो एक में ये लिखा हूँ कि सरपंच के ग्राम सभा के आदेशानुसार मध्य प्रदेश शासन की जमीन को पट्टा कर दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है। पंचों के सिग्नेचर हैं उसमें? नहीं नहीं, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा की बैठक 2012 में की गई, जिसमें मध्य प्रदेश शासन की जमीन का बंटनवारा कर भूमि स्वामी घोषित कर दिया गया, और सभी लोगों ने बैंक से बंधक बना करके जमीन का जो है राशि प्राप्त कर लिया है। इसी तरीके से ये अगोर है तालाब, तालाब का रकबा है कुल मिलाकर के एक भीटा है 259, 260, 313, 380, 381, 382। इस ज़मीन में जो अगोर है 7 एकड़ 68 डिसमिल, इसका भी पट्टा लोगों ने अपने नाम करा लिया और उसको बेच भी लिया। किसके? अकेले तो कोई नहीं करवा सकता ना, पटवारी, तहसीलदार, SDM, कलेक्टर, किसी न किसी का रोल होगा। ये रीमा रियासत है, यहाँ ठाकुरों का दबदबा था, यही लोग इलाकेदार थे, पवाईदार थे, इनके यहाँ पटवारी सटवारी सब इनके गुलाम हुआ करते थे। ये लोग अपने मनमाफिक जो चाहे जैसा चाहे सब अवैधानिक पैवैधानिक जो जैसा चाहे सब हो जाता है। शिकायत आपने कहीं की अभी? मैंने कलेक्टर महोदय को किया है और इसका मैं माननीय उच्च न्यायालय में भी जाऊंगा और यथाशीघ्र जाऊंगा। कितनी संपत्ति होगी जो अपने नाम से करा लिया गया इस शासकीय जमीनों को? शासकीय जमीन का जो उन्होंने कराया उनके पास आज की स्थिति में भी लगभग 50 एकड़ थी, करीब 50 एकड़ से ज़्यादा उन्होंने बेच चुके हैं, वो 100 एकड़ से ऊपर के काशकाट थे। नहीं मतलब कुल मिलाकर शासकीय जो संपत्ति कितने की होगी लगभग, जिसको कि इन लोगों? लगभग 1 करोड़ की, करोड़ों की। हाँ हाँ, 7 एकड़ 68 डिसमिल है, इस गाँव में अभी 20,000 रुपये माने 20 लाख रुपये एकड़ जमीन बिकी है, उस हिसाब से करोड़ों की संपत्ति है। किसके द्वारा इसमें किया गया, नाम कुछ लोगों को बता? अखंड प्रताप सिंह जी हैं, जम्मू के हैं, वो कैसे उनको प्राप्त हुई, उनके पिता बाबा को कैसे प्राप्त हुई, कब प्रीमियम अदा हुआ, ये सब जांच का विषय है कि हुआ कैसे। मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन जबकि कलेक्टर ने 1978 में एक जो व्यवस्थापन की व्यवस्था आई थी उसमें यह साफ ये लिखा हुआ था कि यह ज़मीन हस्तांतरित नहीं की जा सकती, ना इसको बेची जा सकती, उसके जीवन उपार्जन के लिए है। पहली बात तो तालाब की ज़मीन को देने का किसी के पास अधिकार नहीं था, वो चूंकि पूरे गांव का जीवन है, हृदय है, तालाब एक हृदय होता है जिससे पूरे गांव का पानी का पानी है और निस्तार के लिए उपयोग में आई जाती है, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने पूरे तालाब की समस्या को समाप्त कर दिया है, तालाब की ज़मीन को बेच लिया है, तालाब में अतिक्रमण करा लिया है, पूरा तालाब अतिक्रमण विहीन है। जो वास्तव में यहाँ के गरीब हैं जिनको ज़मीन की आवश्यकता है उनको 1 फुट भी ज़मीन अभी तक नहीं मिली है। यह है जामू गांव की दूसरी और बड़ी समस्या जिसमें तालाबों को नष्ट किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि तालाबों को संरक्षित किया जाए, किसी के नाम से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, उसमें मछली पालन करवाया जा सकता है, लेकिन पैसे के सामने राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार के चलते पूरे तालाबों को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि इसकी भी शिकायत यहाँ के लोगों के द्वारा की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से प्रशासन कार्यवाही करता है या शिकायत खंडे बस्ते में पड़ी रह जाती है। विराट 24 के लिए रीवा से रामानंद पांडे।